फिर क्या देखिए ना, क्या 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 बीमारी पता नहीं चल रहा है, मेरा दिमाग तो खराब है। देखो ना भाई क्या हो रहा है, पता नहीं चला क्या होगा। इसमें तो रोग लग है भैया। देखिए दीदी जर में भी कुछ बीमारी है, देखिए तो। अच्छा, हमरो खेत में लग गए बीमारी भैया, अलग बीमारी लग गए है। चलो देख ले, चलो देखे। तो रहनी है तो सब में कुछ ना कुछ। देखो ऐसा हो गया भैया, ये तो बहुत बड़ी समस्या है दीदी। देखिए ना क्या हो, इसका क्या उपाय किया जाए। ऐसा भैया कि जो कॉल सेंटर में बात करके पता करिए। किसान कॉल सेंटर? हाँ, किसान कॉल सेंटर। हाँ, तो हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार, हाँ मैं अश्वनी बोल रहा हूँ जी। किसान बंधु बोलिए जी, आपका नाम क्या हुआ? हाँ मैं भूई गांव से गौतम कुमार बोल रहा हूँ। धान की फसल में रोग और कीट का समस्या है, लाल और प्लस कुछ उजला होता जा रहा। ठीक है, तो कल हम आपके एरिया में आते हैं तो फिर आपका खेत का विजिट कर लेंगे। क्या सर, कल आ रहा है? ठीक है, तो कल क्या बजे आइएगा? ठीक, आ जाइए उसी जगह मंदिर के पास, पेपर था। ठीक है गौतम जी, तो हम कल मिलते हैं आपसे आपके फील्ड में। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। सर यही बीमारी है, देखिए क्या है। हाँ देखिए भैया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सफेद दिखाई दे रहा है ना? यस। इसका मतलब है कि इसमें रोग नहीं, कीड़े लगे हैं। ठीक है, कीड़े, ये जो कीड़ा है इसका लक्षण होता है कि इसकी पत्तियां जो है ऊपर से सफेद हो जाती हैं। मतलब कि इस कीड़े का नाम होता है पत्ती लपेटने वाला कीड़ा। पत्ती लपेटने वाला कीड़ा करता क्या है कि पत्ती को लपेटेगा और उसके अंदर चला जाता है और उसके हरे भाग को खाता है, जिससे ये पत्तियां सूख जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसमें पत्ती लपेटने वाले कीड़े लगे हैं, जिसको सुंडी भी कह सकते हैं। तो इसका हम इलाज कीटनाशक दवा छिड़काव करके कर सकते हैं। कीटनाशक दवा छिड़काव करने के लिए हमें कारटाप हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव करना पड़ता है। कौन सा दवा बताया हमने? कारटाप हाइड्रोक्लोराइड, जो दो तरीके से आता है, एक आपका सोलूबल पाउडर होता है और दूसरा दानेदार होता है। अगर दानेदार हम छिड़काव करेंगे तो वो बालू या यूरिया के साथ छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर हम पाउडर का छिड़काव करते हैं तो 2 ml 1 लीटर पानी की मात्रा से हम छिड़काव कर सकते हैं। करीब करीब 1 एकड़ में हमारा 300 ml यूज होगा। ठीक है ना? ठीक है, जिसका हम एक सैंपल आपको दिखा देते हैं। ठीक। हाँ तो किसान भाई, मैंने जैसा बताया कि ये जो कीड़े लगे हैं पत्ती लपेटक कीड़े, उनके नियंत्रण के लिए हमें कारटाप हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करना चाहिए। और जब भी आप दवा लेने जाएं दुकान पे तो वहाँ देखना ये आवश्यक होता है कि प्रतिशत क्या है इसका। अगर 4% है तो ये कारटाप हाइड्रोक्लोराइड है। इसमें दो आता है, एक दानेदार आता है और एक पाउडर में आता है। तो अगर हम दानेदार लेंगे तो 4% होगा, पाउडर में लेंगे तो 50% होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये दानेदार है,
तो इस कीड़े के नियंत्रण के लिए हमें इस काटा हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करना चाहिए। इसका छिड़काव हम कैसे करेंगे, एक एकड़ जमीन के लिए 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव इसका किया जाता है, ठीक है। वो छिड़काव हम बालू में या यूरिया के साथ मिला करके कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, मैंने एक बीमारी के बारे में और बताया था आपको ना, जो कि जड़ में लाल लाल पत्ते कुछ गुलाबी टाइप के हो जाते हैं जो कि दिखना, ठीक है। देखिए देखिए सर, हाँ किसान भाई, जैसा आप ये लक्षण दिखा रहे हैं, इस लक्षण से हमें यही स्पष्ट हो रहा है कि ये सिथ ब्लाइट नामक रोग लगा हुआ है आपके धान के फसल में, ठीक है। सिथ ब्लाइट नामक रोग लगा हुआ है। इस लक्षण में दिखता है कि पहले पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और बाद में इसका असर गुलाबी रंग की तरह दिखाई देता है। इससे होता क्या है कि हमारे बालियों में जो बाली लगेगी इसमें, उसमें दूध कम बनेंगे तो बाली कम बनेगी, जिससे हमारा पैदावार पे क्षति पहुंचेगा, ठीक है। इसके प्रारंभिक लक्षण को देखते हुए हमें सबसे पहले हेक्साकोनाजोल नामक दवा का छिड़काव करना चाहिए। किस दवा का छिड़काव करना चाहिए? हेक्साकोनाजोल नामक दवा का छिड़काव करना चाहिए, या फिर आप सिथमार का छिड़काव कर सकते हैं, जिनका टेक्निकल नाम होता है वैलिडामाइसिन और हेक्साकोनाजोल, ठीक है। दोनों दवा में से कोई भी एक दवा ला करके आप इस पर छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने की मात्रा है 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से, जिससे ये रोग आपका नियंत्रित हो जाएगा, ठीक है सर। और ज्यादा रोग के लक्षण दिखने पे पुनः हम इसका 10 से 12 दिन के बाद प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके सिथ ब्लाइट रोग का नियंत्रण करने के लिए वैलिडामाइसिन का या हेक्साकोनाजोल, दोनों में से किसी एक दवा का प्रयोग करिए। हाँ देखिए किसान भाई, इसको बोलते हैं वैलिडामाइसिन। ये कृषि रसायन कंपनी का दवा है जो V3 के नाम से है। ऐसे वैलिडामाइसिन टेक्निकल नाम से बहुत सारे दवाएं मार्केट में मिल जाती है। इसका प्रयोग आप सिथ ब्लाइट जो आप रोग दिखा रहे थे, उस लक्षण का जो हमें दिखा, उस लक्षण को नियंत्रित करने के लिए हम इसी दवा का प्रयोग करेंगे। दवा का नाम इधर रखिएगा, दवा का नाम है वैलिडामाइसिन 3% SL। सर देखिए ना, मेरा एक खेत में और कुछ बीमारी लगा हुआ, चल के देख लीजिए थोड़ा। दूसरे खेत में है? हाँ सर, चलिए चलते हैं देख लेते हैं। ठीक है चलिए। देखिए सर ये क्या हुआ, मैंने जंग लगा हुआ सा है, इसको क्या करें? देखिए किसान भाई, आपने जो ये हमें दिखाया, इस लक्षण से पता चलता है कि इस खेत में भूरा धब्बा रोग लगा हुआ है, ठीक है ना। भूरा धब्बा रोग का पहचान क्या है कि यह अंकुरण से लेकर के फसल पकने तक कभी भी लक्षण अपना दिखा सकता है, ठीक है। कभी कभी ये बालियों पर भी भूरे रंग का धब्बा की तरह लक्षण दिखता है। इससे क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है हमारी, जो सूर्य का प्रकाश मिलता है पौधे को खाना बनाने के लिए, तो उस क्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे पौधे का भोजन नहीं बन पाता। तो भोजन नहीं बन पाएगा तो हमारा पैदावार कम हो जाएगा। तो इसलिए इस रोग के नियंत्रण के लिए मैं एक दवा बताता हूँ, जिसका नाम होता है सिक्सर या साफ के नाम से मार्केट में आपको मिलेगा, ठीक है। उस दवाई में दो चीज रहता है, मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम। कोई भी कृषि केंद्र पे वो आपको दवा उपलब्ध हो जाएगा, उस दवा का लाइए और 250 से 300 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करिए, ठीक है। उस दवा का एक सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है दिखाइए। हाँ किसान भाई देखिए, ये है साफ नाम का दवा, ठीक है ना, जिसमें कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63%,
WP मतलब वेटेबल पाउडर, पाउडर फॉर्म में रहता है। इसे हम सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट फंजीसाइड कहते हैं। फंजीसाइड मतलब कि जो फंगस को मारता हो, ठीक है। ये साफ नाम की दवा है। इसका हम 250 से 300 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से अपने धान के खेत में प्रयोग कर सकते हैं जब भूरा धब्बा का रोग दिखाई दे रहा हो, ठीक है ना। साथ ही साथ ऐसे भी अगर कोई लक्षण दिखाई दे जिससे झुलसा का प्रकोप हो तो हम उसमें साफ नाम का दवा प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये आप दवा लाइए और इसका अपने खेत में प्रयोग करिए, ठीक है सर। ठीक है सर, आप मेरे लिए अपना कीमती समय निकाल के आया, प्लस मेरा धान को देखा और बीमारी के बारे में आपने बताया, इसलिए धन्यवाद। प्लस मैं आपने जो भी दवाई के बारे में बताया मैं इसका प्रयोग करूंगा, प्लस दूसरों को करवाऊंगा, ठीक है किसान भाई। आपको भी धन्यवाद, आपने हमें बुलाया और खेतों में जो रोग लगे हैं उनको जानने और उनका निदान करने के लिए हमें अवसर दिया, मुझे इसके लिए खुशी है। और आगे भी जब भी ज़रूरत पड़े आप मुझे कॉल करिए, बुलाइए और अपने खेत को सुरक्षित और स्वस्थ रखिए ताकि आपका पैदावार बढ़े। हम यही कामना करेंगे कि आपका फसल स्वस्थ रहे। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार।